दोस्तों आज हम लोग 15 फीट इंटू 30 फीट के प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये 50 गज में बना हुआ है, इसका स्क्वायर फीट है 450 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 5 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन 15 फीट, इस साइड का डायमेंशन 30 फीट, बैक का डायमेंशन 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन 30 फीट। ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। दोस्तों इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 15 फीट, यहाँ से एंट्रेंस है। मैंने यहाँ पे कार पार्किंग दिया हुआ है इस साइड में और इस साइड में बाइक पार्किंग के लिए भी जगह है। इस कार पार्किंग एरिया का डायमेंशन है 16 फीट 9 इंच इंटू 14 फीट 2 इंच, इस साइड का डायमेंशन 14 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन 16 फीट 9 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 9 फीट 9 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 9 फीट। इस कार पार्किंग एरिया में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, एक विंडो यहाँ पे दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। इस कार पार्किंग एरिया से हम लोग यहाँ से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 7 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 9 इंच। इस रूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस रूम का, हमने इस रूम के साथ एक सेपरेट बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है। ये सेपरेट बाथरूम है, इसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट, इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल दिया हुआ है और ये वेंटिलेशन है इस बाथरूम का। ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग स्टेयर की बात करें तो इस कार पार्किंग एरिया से इस तरफ आएंगे तो यहाँ स्टेयर एरिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। इस स्टेयर एरिया में एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट और ये लैंडिंग का डायमेंशन है 3 फीट। इस स्टेयर एरिया में यहाँ पे एक विंडो दिया गया रोशनी के लिए। स्टेयर में यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। इस स्टेयर से यहाँ से अप होकर यहाँ फर्स्ट लैंडिंग, इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से जब इन करेंगे, यहाँ से इन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक डाइनिंग स्पेस दिया है, इसका डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच इंटू 9 फीट 5 इंच, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 5 इंच और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 4 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 10 फीट 4 इंच। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ एक विंडो दिया गया है। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 7 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 9 फीट और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 9 इंच। इस रूम में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, एक विंडो इस साइड में दिया गया है। ये डोर है इस रूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक किचन दिया है जिसका डायमेंशन है इस साइड का 4 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। इस किचन में यहाँ एक विंडो दिया गया है, यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है। ये ओपन डोर है इस किचन का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 6 फीट 11 इंच इंटू 4 फीट 4 इंच, इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 4 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट 11 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट। ये डोर है इस बाथरूम का। यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया गया है, यहाँ टॉयलेट सीट दिया गया है, यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ शावर पैनल दिया हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस से हम इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और रूम दिया है जिसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 11 फीट 3 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 3 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट। इस रूम में एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, ये डोर है आगे साइड बालकोनी में जाने के लिए। इस रूम के साथ हमने यहाँ एक अलमीरा दिया है, इसका डायमेंशन है 6 फीट इंटू 2 फीट 11 इंच। हम लोग बालकोनी की बात करें तो इस रूम के बाद हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक बालकोनी दिया है, ये बालकोनी है
इसका डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच × 15 फीट। इस साइड का डायमेंशन 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन 3 फीट 6 इंच। इस साइड भी 3 फीट 6 इंच हो गया। दोस्तों इस बालकोनी के लिए हमने फ्रंट साइड में 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है, जो फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आगे की ओर निकला हुआ रहेगा और इस बालकोनी का डायमेंशन फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम रहेगा। दोस्तों ये था फर्स्ट फ्लोर का प्लान। इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम प्लान रहेगा, सेम डायमेंशन रहेगा, सारे वॉल सेम जगह में रहेंगे, सभी रूम सेम जगह में रहेंगे। दोस्तों इस प्लान में आपको यहाँ पे एक रूम मिल जाता है, यहाँ पे इस रूम के साथ अलमीरा मिलता है, यहाँ डाइनिंग स्पेस है, इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिलता है, यहाँ पे किचन मिलता है और एक रूम यहाँ पे मिलता है और सेपरेट स्टेयर मिलता है और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ कार पार्किंग मिल जाता है। इस साइड में बाइक रखने की भी जगह है, यहाँ पे रूम मिल जाता है और इस रूम के साथ सेपरेट बाथरूम यहाँ मिलता है। और ये जो स्टेयर है ये ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम डायमेंशन रहेगा इसका। दोस्तों ये था 15 फीट × 30 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।